पूरा याद नहीं, ज्यादा हम पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन सुनलिए है कि 1932 में एक पूना पैक्स के मसौदा आये हल, और उस मसौदा में आये हल जरा में बाबा अम्बेडकर कहलथिन हल कि विकास एक ताला है और राजनीति एक चाबी है। आरक्षित वर्ग के लोग कितनों भी तेज तरार रहे, चाहे मंत्री रहे चाहे अफसर रहे, लेकिन सब कहा थी का आखिर रिजर्वेशन आये है। हम गृह मंत्री जी से, प्रधान मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध कर रही है, निहोरा कर रही है कि फिर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट देखेला। विशेष परिस्थिति में सब मगही है, बजिका है, अंगिका है, एकरो आठवीं सूची में जोड़ेला, यहाँ से एगो प्रस्ताव भेजला तो बड़ी अच्छा हो। तो आज के दिन में जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 ओकरा आय व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांग खंड 11 है, जेकरा में गृह विभाग, सामान विभाग, मंत्रिमंडल विभाग और निगरानी विभाग के बजट पेश कर गेले है, ओकर हम समर्थन करिए, दिल से समर्थन करिए और कटौती के प्रस्ताव के हम विरोध करिए। महोदय, हम ये कहल चाहिए सबसे पहले ये कि बात सही है, नया लोग के सूझे तो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी के कुछ काम ऐसा है जे इतिहास के पन्ना में या जो भी लोग समर्थ थी, लेकिन एक चीज हमारे दिल में जरूर गड़ा है, वो बात ये है कि आज अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावल गेले, और वो महिला दिवस मनावल गेले तो हम तो समझे कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी बच्ची के साइकिल दे के, पोशाक दे करके पढ़ावे की व्यवस्था कल थी, एकरा से बढ़ के और का हुआ है नारी सशक्तिकरण के संबंध में, एकरा लिए हम प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक बात हम कहल चाहिए एकरा में, 2014-15 में एक निर्णय होले हल कि बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्ची के फ्री एजुकेशन दिल जाए। आज स्थिति ये है कि जहाँ फ्री एजुकेशन कॉलेज में स्कूल में देल जा रहे है, ओकरा 5-5 बरस 4-4 बरस से ओकरा क्षतिपूर्ति पैसा न मिले थे, जगह चलते बड़ी दिक्कत होवे थे। तो हम सरकार से अनुरोध, शांति से सुनिए, इतना निमन काम, इतना बड़ा काम तू कहला है तो कम से कम एकरा में कौन ऐसा बात है कि एकरा चलते हमन ही के थोड़ा सा एखनी के ताली पीटे के नौबत आ जाए। हम तो कहे कि एकदम पूरा कर देवे के चाहिए ताकि सब बच्ची फुल्लम खुला पढ़े। और जब महिलाएं के बात आवा है तो एक बात आओ आवा है महोदय कि जनरल कैटेगरी के लोग तो ठीक है, खाए पिए में सबके अच्छा खाना मिला है, बच्चियन भी इतनी लंबा हो जा थी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा के खाना पीना की अवस्था उतना मजबूत ना है, इस वजह से ओकर बच्चियन छोटा छोटा हुआ थी। नतीजा हुआ है कि जो सिपाही भर्ती के बात अभी अले है तो 155 सेंटीमीटर कहल जाए तो 155 शेड्यूल सेंटीमीटर में शेड्यूल कास्ट आदिवासी और अति पिछड़ा के लड़कियन सब छाँट जा रहा है। तो इस वजह से हम अनुरोध कर रही है गृह विभाग से और बिहार सरकार से कि पहले हल, हम धन्यवाद दे नीतीश कुमार के, पहले हल 165 हमारे कहे पर 160 कल थी, फिर होले 155 और आज हम फिर कही कि वही बात के दोहराहू मुख्यमंत्री जी कि बच्चिन के कम 152 सेंटीमीटर खाली रखू ताकि गरीब के बच्ची लोग भी शिक्षक में बहाल हो जाए, सिपाही में बहाल हो जाए, हम ये कहल चाहिए। और एक बात महोदय, हम एक बार कहलिए एक पहले भी, आज हम ओकरा दोहरावा ही है, और वो दोहरावे के बात ये है हुजूर कि भूदान में, सीलिंग में और बिहार सरकार के जमीन जो पर्चा मिले है, लाखों लाख पर्चाधारी के ओकरा पर कब्जा न है। एक अभियान चला करके ओकरा पर अभियान चला करके एक काम करल जाओ तो हम समझे कि लाखों लाख गरीब और पर्चा केरा मिले है, जाहिर बात है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सभी पिछड़ा गरीब के मिले है, तो ओकर संरक्षण ला एक अभियान चला करके ये काम करे की चाहिए, ये हम कहल जाए महोदय। और दूसर बात ये कहल जाए महोदय, वह कह लियल हम पहले कि 5 डिसमिल जमीन दे दे हूँ
और एक एकड़ जमीन दे देहू खेती ला और खेती में खराय करके मने ओकरा खरीद करके दे देहू तो बिहार में कोई भी ऐसा न रहते कि जगरा घर न रहते और जगरा खेती बाड़ी के कोई अभाव रहते। तो ये भी काम करूँ तो बड़ा अच्छा काम होता, निमन काम होता, यही हम आज कहल चाहिए। और ओकर बाद एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहल जाइए अध्यक्ष महोदय, हम शायद सब सदा सभासद के लोग भी आश्चर्यित रहती, हमरा पूरा याद नहीं, ज्यादा हम पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन सुनलिए है कि 1932 में एक पूना पैक्स के मसौदा आये हल, और मसौदा में आये हल जरा में बाबा अम्बेडकर कहलथिन हल कि विकास एक ताला है और राजनीति एक चाभी है। तो राजनीति के चाभी देवे ला बाबा कहलथिन हल कि डबल मतदाता सूची के प्रावधान किया जाए, लेकिन वो प्रावधान न होले है और ओकर चलते आज दिक्कत हो रहा है कि आज आरक्षण है। और आरक्षण में महोदय हम न कहल चाहिए कि सामाजिक विडम्बना है कि आरक्षित वर्ग के लोग कितनों भी तेज तरार रहे, चाहे मंत्री रहे चाहे अफसर रहे, लेकिन सब कहा थी का आखिर रिजर्वेशन आयल है, रिजर्वे कोटा में आयल है। तो ई हम समझाई कि जो हमनी के प्रति अपमानित बात हुआ है, ये छूट जेते यदि डबल मतदाता सूची कि बनने लगते तब, जैसे एमएलसी में हुआ है, एमएलसी में टीचर कंस्टिट्यूएंसी में टीचरे ने वोट दे है और टीचरे के ना वोट दे है, और उसी नगर निकाय के भी वोट चले थे ओकरो में नगर निकाय के लोग ही खड़ा हुआ है और वही लोग वोट दे है। तो वैसे ही शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट के अगर वोट देती तो कहाँ अर्थ हो जाती, ओकरा से ये होता है कि आज शेड्यूल कास्ट के जो एमएलए रहा है ये एमपी रहा है कोई काम करा है ओकरा पर दबाव पड़ जाए, ओकरा चलते शेड्यूल कास्ट के विकास न करे। इस वजह से हम माना ही कि यहाँ के विषय न है, लेकिन हम समूचे भवन दी सदन से हाथ जोड़ के निहोरा करेंगे कि ई प्रस्ताव सरकार लावे, एकरा एक मत से पास करके भेज दहू ताकि भारत सरकार ऐसा व्यवस्था कर दे ताकि हमनी के आगे बढ़े का मौका मिले। ये हम कहल चाहे महोदय। और संक्षिप्त कर लीजिए, दूसरा एक मिनट महोदय, दूसरा बात अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम है, बड़ी अच्छा है, थोड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ करते हैं आगे पीछे तो देख लू हल कि समूचे हिंदुस्तान के दलित एक पैर पर खड़ा हो गई थी, ओकरा मैंने जो अभी बात हो रहा है वो तो हो रही पार्लियामेंट फिर पास करके एगो नया यहाँ प्रबंध हले हुजूर, प्रबंध हले ये कि एसपी रैंक के पदाधिकारी हो वाले खास करके एससी एसटी एक्ट के कानून के देखे वाला वो समाप्त हो गए है। हम गृह मंत्री जी से प्रधान मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध कर रही है निहोरा कर रही है कि फिर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट देखेला विशेष परिस्थिति में आरक्षी अधीक्षक के नियुक्ति करल जाओ। और फिर हुजूर थोड़ा सा हुजूर एक दो मिनट और हम तो बोले ही कम ना एक बात बोलबे न करबो तो वजह से एक मौका दे दो एक दो मिनट और। तो और दूसरा हुजूर की कहल चाहिए कि अभी हाल में जातीय जनगणना के बात ही सब कहल थी, होवे के चाहिए जातीय जनगणना, लेकिन जातीय जनगणना में जो कर कॉलम है हुजूर वो कॉलम में मगही बजिका आंगिका और भोजपुरी के शायद जगह न मिले है, ये तीनों चारों भाषा के भी जनगणना के कॉलम में मिले के चाहिए स्थान, ये हम आज निहोरा करल चाहिए। और दूसरा बात कि अभी बड़ी खुशी हो ले बड़ी धन्यवाद दे बिहार सरकार के कि भोजपुरी भाषा के संविधान के आठवां सूची में लावे ला एक प्रस्ताव दिल गए है, हम हाथ जोड़ करके निहोरा करिए कि बड़ा अच्छा कहला है, लेकिन हमारा मगही है बजिका है अंगिका है एकरो आठवीं सूची में जोड़े ला यहाँ से एगो प्रस्ताव भेज रहा तो बड़ी अच्छा हो। तो ये हम कहल चाहिए हुजूर। और वही तरह से और कुछ बात कहल चाहिए कि जैसे ऐसा होले है गृह विभाग के मामला आ जाए कि बहुत सा ऐसा जगह है प्रखंड में कि प्रखंड मुख्यालय से वो जो पंचायत है ओकर दूरी 50 किलोमीटर पड़ा है, लेकिन बगल में प्रखंड है सकरा में ना जाए। सब उदाहरण एक में लिखल है हुजूर दे देवे ओकरा पाठ बना देता थी, लेकिन एक उदाहरण देवल चाहिए पटने जिला के एगो इमामगंज है गांव अरवल रोड में पड़ा है,
इमामगंज यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ा है, और वो जाना वो कहाँ है, वो पटना में है, और वो तीनों तरफ उन्हें अरवल है नहीं जहानाबाद है, तो कहे का मतलब कि अगर वो अरवल जिला में चल जाए तो निश्चित रूप में सबके सुविधा होते है। वही प्रकार से कई एक काम एक में बते लिए है, ओकरा में समय लेते है, इस वजह से वो बात हम न कर सके। और महोदय एक में एक थोड़ा सा और एक मिनट और चाहिए, ज्यादा न चाहिए, और हम कहे कि असंगठित मजदूर है, असंगठित मजदूर जो गांव घर में देहात में काम कर रहा है ओकरा कोई संगठन न है, वो मर जाए तो या कोई आकस्मिकता आवा है तो ओकरा पर कोई ध्यान न दिल जाए। इस वजह से हम अनुरोध कर रही है ये पवित्र भवन के कि सरकार कानून बना दे कि असंगठित मजदूर के पंजीकरण करावे, और बेरोजगार मजदूर जरा काम धाम के व्यवस्था न है ओकरा व्यवस्था करे, और आकस्मिकता आवे पर ओकरा मुफ्त सहायता और ऋण दिल जाए। ये हम कहल चाहे महोदय।